नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने एक साथ नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में की छापेमारी। इनमें तृणमूल कांग्रेस सरकार के शहर विकास मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम के दफ्तर में की जा रही है छापेमारी। इस छापेमारी से पूरे राज्य भर में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य के नगर पालिकाओं में नियुक्ति को लेकर हुए घोटाले की जाँच को लेकर सीबीआई ये विशेष अभियान चला रही है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर नगर पालिकाओं में हुई नियुक्ति की जांच कर रही है सीबीआई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि रेल हादसे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सीबीआई भेजी जा रही है। पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनने जा रहे हैं राजीव सिन्हा। राजीव सिन्हा पश्चिम बंगाल सरकार में चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। उनके रिटायरमेंट के बाद राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बतौर राज्य के नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में राज्यपाल के पास उनके नाम का प्रस्ताव भेजा था। दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस एक बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बची। दरअसल राजधानी एक्सप्रेस को रेलवे क्रॉसिंग से पास कराने के लिए बैरियर लगाया जा रहा था। इसी दौरान डीजल दिए हुए एक ट्रैक्टर बैरियर के अंदर जा घुसी, परंतु दूसरे साइड का बैरियर तब तक बंद हो चुका था। ये घटना है पुरुलिया जिले के संतालडीह रेलवे स्टेशन की। राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस करने के दौरान जैसे ही ट्रेन के ड्राइवर को इस बात का ज्ञात हुआ कि ट्रेन किसी से जा टकराई है, उसने तुरंत ट्रेन को रोका और एक बड़ा हादसा टल गया। इस मामले में रेलवे प्रबंधन ने गेटमैन को सस्पेंड कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों की बंदी पर अपनी मुहर लगा दी है। ये 2000 के नोट बस 30 सितंबर तक बैंकों में बदले जा सकते हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार उड़ीसा ट्रेन हादसे के शिकार परिवारों को 2000 के नोटों की मदद देकर विवाद में फंस गई है। इन 2000 के नोटों के साथ परिजनों की तस्वीर वायरल होते ही बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को घेरना शुरू किया। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सांसद सुकांत मजुमदार ने वीडियो और फोटो के साथ ट्वीट कर ममता सरकार पर तंज कसा और कहा कि ये 2000 के नोट कहां से आए। पश्चिम बंगाल में पड़ रही भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। शनिवार तक चिलचिलाती गर्मी से लोग रह सकते हैं परेशान। पश्चिम बंगाल के मौसम विभाग ने रविवार से बारिश की संभावना जताई है। बुधवार से पुनः रेलवे ट्रैक पर उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। इस दिन शालीमार रेलवे स्टेशन से दोपहर 3:20 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई के लिए रवाना हुई। कोरोमंडल ट्रेन दुर्घटना के एक सप्ताह के बीच पुनः पटरी पर लौटी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।